दोस्तों फटाफट से एक बार कैमरे की सहायता से और ड्रोन की मदद से शायद देखते हैं कि जीतू भैया कहाँ है। ड्रोन उड़ने के लिए रेडी है, बस आप लोग दुआएं करते रहना यार और बहुत जल्द जीतू भैया मिल जाए यार। बस भैया फटाफट से एक बार देख लो जो भी है और पूरी सेफ्टी के साथ, मतलब जो भी कवरिंग है ना यहाँ की, मतलब 80% हमने ये जंगल छान मारा है, बाकी रही आपकी, तो आप एक बार देख लेना किस तरह से। दोस्तों बहुत ही रिस्क है पूरे जंगल में, सबसे बड़ा खतरा जानवरों का, इतना खतरनाक है कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग दुआएं करते रहना भाई के लिए। दोस्तों रेडी है ड्रोन उड़ने के लिए, बहुत जल्दी जा चुका दोस्तों ड्रोन ऊपर। ये चारों तरफ से कवरिंग लेनी है चारों तरफ से, कि मतलब है ना अपने को जो भाई अपना ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी उन्होंने चेक कलर की। दोस्तों ड्रोन रेडी है, आप देख पा रहे हो यू ड्रोन, और ड्रोन की मदद से ही अपन एक बार उनकी देखेंगे पूरा व्यू देखेंगे जंगल। एक बार दिखाना भैया ड्रोन, ड्रोन रेडी हो चुका है पूरा उड़ने के लिए। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ड्रोन लाइव वीडियो में, बस आप लोग दुआ करते रहना कि जितेंद्र भाई जल्द से जल्द मिले यार, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। ड्रोन जा चुका है बहुत दूर और मैं आपको दिखा दूं एक बार व्यू यहाँ का, जो भी कुछ दिखे ना भैया तो एक बार दिखाते रहना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डोर ऑफ डेथ एंड फेसबुक पे जांगिड मोनू 2444 पे। हमारी जो भी भाई ऑडियंस जो हमारे हैं भाई और बहन, उनका एक स्पेशल कमेंट था यार दोस्तों कि भाई मोनू भी आप वहां पे जितेंद्र मारुटिया की जो जंगल में लापता है घुमे हुए उनके लिए आप एक ड्रोन की व्यवस्था करो, ड्रोन लेके जाओ। तो दोस्तों नजदीकी गांव 30 किलोमीटर दूर से एक शहरी क्षेत्र है, वहां से हमने एक भैया को हायर करा है, बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा है, बहुत ही घना जंगल है। उसके बाद भी भैया एग्री हुए थे कि हाँ बिल्कुल हम चलेंगे, भैया को लेके आए ड्रोन के साथ में दोस्तों। और आज आप लोग जैसे बोल रहे थे कि भैया ड्रोन की सहायता लेके भाई को ढूंढना यार, शायद ड्रोन की मदद से मिल पाए ये वो, तो दोस्तों ड्रोन भी लेके आ चुके हैं और अभी आपको लाइव ड्रोन की वीडियो इसी फेसबुक पेज और इसी यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे। आपको क्लियर कर दूं मैं आपको एक चीज के लिए कि दोस्तों 1 रुपए से 1 लाख तक का भी अगर खर्चा बने इस वीडियो में, इस चीज में, इस भाई जितेंद्र को ढूंढने के लिए, तो आपका भाई मोनू जरूर करेगा यार दोस्तों। क्योंकि उनकी फैमिली की, मैंने जो फैमिली से बात करी है तो उनका मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा सैड थी पूरी फैमिली की मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। और हमारा एक इंसानियत के नाते हम उन भाई को ढूंढ रहे, और मैं अकेला नहीं ढूंढ रहा हूं दोस्तों, हमारी टीम के अलावा जो मनोज भाई है हॉन्टेड व्लॉगर वो भी उन्हें ढूंढ रहे, राधे भाई दा आरजे व्लॉग से वो भी ढूंढ रहे, सूर्या भाई है वो भी उन्हें ढूंढ रहे, जितने भी हॉन्टेड व्लॉगर है समथिंग समथिंग सारे भाई लोग इसी जंगल में आए हुए हैं, बस एक दूसरे का मिलना नहीं हो रहा दोस्तों। और बताई जाए जंगल की बात करी जाए तो दोस्तों जंगल में आप लोग देख रहे हो लाइव, पहले की वीडियो आपने देखी होगी, बहुत जल्द बाबा साहब भी आने वाले, डॉग स्क्वाड भी आज शाम तक शायद, वो जो हमारे सर थे वो बहुत हमारे डॉग स्क्वाड भी लेके आ जाएंगे, तो शाम को वापस विजिट करेंगे। हमारे रणजीत सर गए हुए डॉग स्क्वाड से, जो उनके वो है बॉस, उनसे बात करने, शायद आज डॉग स्क्वाड भी लाके इनको विजिट करना पड़े जंगल को। ज्यादा देर ना करते हो दोस्तों, ड्रोन लेके जा रहे हैं आपके सामने लाइव, सब कुछ दिखाएंगे। भैया जानवरों का बहुत ही ज्यादा खतरा है, चारों तरफ से क्लियर करते रहना, चारों तरफ नजर ऐसे गाड़ के रखनी है, मतलब कोई जानवर हमला ना कर दे, पैंथर शेर भालू वगैरह बहुत ज्यादा है। कैमरामैन चारों तरफ से क्लियर करते रहना भाई, व्यू चारों तरफ से लेते रहना, ठीक है ना? ठीक है भैया। हाँ कैमरामैन चारों तरफ से व्यू दिखाते रहना, वो जानवर का इसलिए ध्यान रखना, कोई भी चीज दिखे ब्लैक व्हाइट कैसे भी एक बार बिल्कुल जूम करके दिखाते रहना, ठीक है ना भाई? सदाम ठीक है भैया। भैया जंगली जानवरों को बहुत ज्यादा खतरा है, और रही बात, कम से कम आज 8 से 10 दिन हो गया, हमारे एक भाई है जो जितेंद्र मारुटिया हॉन्टेड व्लॉगर, वो इस जंगल में आए थे किसी मतलब विजिट करने लोकेशन, उसके बाद से पता नहीं कोई भूतिया लड़की के नाम से कोई चीज है यहाँ पे, स्प्रिट आत्मा या कोई है, तो मतलब उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो भैया यहाँ पे मतलब आज 10 दिन से लापता है, पूरे हॉन्टेड व्लॉगरों ने ढूंढ रहे कंटिन्यू। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द भाई को ढूंढ कर बाहर निकालेंगे इस जंगल से। और मेरे को जहां तक लगे, मेरे दोस्तों मैंने 2-3 वीडियो पहले डाली, उसमें आपने देखा होगा शायद तक, कि जो मतलब वहां की जो मूवमेंट है ना, वहां की जो हड्डियों वड्डियों के जो अवशेष है जानवरों के, उसके अकॉर्डिंग अगर अंदाजा लगाया जाए, शेर पैंथर भालू बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में जंगल में पाए गए हैं दोस्तों। क्योंकि हमने लाइव मेरी आंखों से पैंथर भालू और जो ये जानवर होते हैं भेड़िया वगैरह, ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। और आपने हड्डियां देखी होगी दोस्तों, वो सारी हड्डियां जानवरों का शिकार करते हैं, ये जो जानवर है पैंथर भालू वगैरह, ये उन्हीं की वो हड्डियां है दोस्तों, कदम कदम पे वो हड्डियां मैंने आपको नोटिस करवाई है। और कुछ हड्डियां तो ऐसी भी थी जो एक इंसानी कंकाल की तरह मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन हाँ उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि जितेंद्र मारुटिया शायद क्लियर ठीक होंगे, वो भगवान की कृपा से। आप लोग अच्छा मोटिवेशन कमेंट करते रहना दोस्तों, इसकी वजह से हम जल्द से जल्द जितेंद्र मारुटिया को ढूंढ कर निकाले यार दोस्तों। ड्रोन की सहायता लेंगे, ड्रोन की मदद से भाई को बहुत जल्द इस जंगल से उनके घर तक लौटाएंगे। और हमारे सारे हॉन्टेड व्लॉगर मनोज भाई, राधे भाई सब इसी जंगल में घूम रहे, शायद हो सकता है मनोज भैया कोई हमें दिखे तो शायद मैं आपको लाइव वीडियो में वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों पूरी फैमिली परेशान है उनकी। भाई 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 पीछे 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 भाई भाई, वो ब्लैक कलर क्या है भाई? जूम करके दिखा, ब्लैक कलर का वो क्या है? पैंथर है भाई, पत्थर मारो वहां पे, वो देख पैंथर नहीं है, भालू है, भालू भालू है, भालू वो जा रहा है इससे भाई, इससे बड़े आ गया, वो जा रहा, वो जा रहा, भालू लग रहा है भाई। आप हटो सामने से, दिख नहीं रहा,
भाई जूम करके दिखा देना मेरे को, भालू लग रहा है सदाम भाई एक बार। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, पलक झपकते ही मतलब कुछ ही क्षण में ये जो जानवर है कभी भी हमला कर सकते हैं। और ये दोस्तों जो पैंथर भालू ये होते हैं ये सिंगल इंसान के साथ में पीछे से हमला करते हैं। कैमरामैन पीछे से ध्यान रखे, अपनी सेफ्टी ध्यान रखे, चारों तरफ कैमरे की एक्टिविटी दिखाते रहे भाई। जितेंद्र मारोतिया जो उल्टे व्लॉगर है, अगर वो हमारी आवाज सुनाई दे रही है उनको तो कहते हैं आवाज की तरफ आगे फॉलो करते रहे, आगे बढ़े और हमें अपने होने का एहसास कराया। आपको हम 8 दिन से इसी जंगल में ढूंढ रहे, मनोज भाई, राधे भाई, सूर्य भाई, सभी भाई आपको ढूंढने में भाई उनकी आवाज आई, हम चारों पांचों भाई आपको ढूंढ रहे। अगर आप कहीं भी अगर हो तो एक बार आवाज जो हमारी वॉइस सुनाई दे रही है तो वॉइस की तरफ बढ़ते रहे। आपने हमारा अनुरोध है जीतू भैया, अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो वॉइस की तरफ आगे बढ़ते हैं, फॉलो करें हमें और हमसे मिले। हम आपको ढूंढने के लिए आए हैं 8 दिन से, कंटिन्यू बने हुए इसी जंगल में 8 दिन से। जितेंद्र मारोटिया जहां कहीं भी अगर हमारी आवाज हमारी वॉइस सुनाई दे रही है आपको तो आवाज की तरफ बढ़ते रहे और जल्द से जल्द भाई वोरा पैंथर देखो दिख रहा भाई पैंथर आ जाओ भैया आ जाओ, मैं भी आ गया हूँ मेरे भैया को, आगे रखो भैया आप आगे आ जाओ क्योंकि ये कभी भी हमला कर सकता है। भाई ध्यान दो, पैंथर लग रहा मुझे। जितेंद्र मारोटिया अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो बस आगे बढ़ते रहे, इस तरफ से चलो, इस तरफ से वो पैंथर खड़ा है, इस तरफ से आ जाओ। जितेंद्र मारोटिया अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो आवाज की तरफ आगे फॉलो करते हुए आगे बढ़े और हमें इतला करें कि आप इसी जंगल में हो, हम आपको 8 दिन से ढूंढ रहे हैं, 8 दिन से हम परेशान हैं आपको ढूंढने में। तो आपसे अनुरोध है हमारा कि जहां कहीं अगर हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आगे बढ़ते रहे। चलो भी आगे बढ़ो, भाई जूम करके दिखाते रहे ना, सदाम भाई जूम करके दिखाते रहे ना, कोई भी चीज दिखे तो ठीक है भैया। दोस्तों डर का माहौल इतना खतरनाक है, हम 4 बंदे हैं सिर्फ जो कि मतलब दोस्तों जंगल पूरा भीड़ है, पूरा खतरनाक। पेड़ की क्वांटिटी देखी जाए दोस्तों तो समझ में नहीं आ रहा कौन कौन से पेड़ है ये। मैंने मेरी जिंदगी के अनुभव में आज तक इतना देखा है कि मतलब जो ये पेड़ और ये जो एक जंगल है ये बहुत ही खतरनाक। अरे ऊपर कुछ दिखा था यार, अरे वो क्या, वो ब्लैक कलर सा क्या दिख रहा है, भालू जैसा, भालू है पहाड़ के, वो जो देखो गुफा जैसी लग रही है ना भाई, जूम करके दिखा एक बार, गुफा जैसी लग रही है ना उसमें देखो है ना भाई। यार वो जीतू भाई मेरे को लग रहा है कहीं जानवर की चपेट में तो नहीं आ गया कहीं, हो सकता है क्योंकि उसकी ना कोई आवाज है ना उसका कोई होने का एहसास यहाँ पे अपने को हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे अभी तक। आगे बढ़ते रहो, आगे आते रहो फटाफट से। दोस्तों रास्ते की बात करी जाए तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है क्लियर कि कौन सी जगह कौन सा रास्ता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा सस्पेंस में है हम लोग। और शायद कोशिश हमारी ये है कि हम उसे ढूंढ कर ही निकालेंगे बहुत जल्द, हमारी यही तरफ जंगल है यार, बहुत ही शराबी जंगल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ड्रोन की सहायता से जो हमारे साथ भैया जी आए हुए, ये भैया जी ड्रोन की मदद से ही शायद जितेंद्र मारोटिया को ढूंढ पाए तो ढूंढ पाए, बाकी दोस्तों डॉग स्क्वाड और हो सकता है शायद और भी कोई कमांडो वगैरह किसी की जरूरत पड़े तो हम उनको हायर करेंगे और लेकर जरूर आएंगे चाहे कुछ भी हो। और ये मैं आपको विश्वास दिला दूं कसम से, मेरे जो भी भाई लोग हैं मेरी जो प्यारी ऑडियंस है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अच्छा एक मोटिवेशन कमेंट करा करो यार जीतू भाई के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन बस जीतू भाई के लिए अच्छा सा कमेंट कर दिया करो ताकि आपके कमेंट आपकी दुआओं से शहीद और माता रानी की कृपा से अगर वो बहुत जल्द घर पे स्वस्थ लौट जाए यार, क्योंकि अभी तक कुछ ही नहीं कह सकते जब तक वो हमें मिलेंगे नहीं, जब तक उनके कोई अवशेष हमें नजर ना आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते क्लियर। ये रास्ता आया भाई तरफ ऐसे बहुत भैया जीवन रास्ता है दोस्तों, उनकी वीडियो देख देख के उनको फॉलो करते हुए हम बढ़े जा रहे हैं कंटिन्यू। शायद कोशिश हमारी ये है कि बहुत जल्द वो हमें मिल जाए और हम उनको घर तक पहुँचाए। आप भी उनके लिए रिक्वेस्ट है आपसे भी कि आप लोग है ना अपना वो करते रहना यार, अपना मनोबल बढ़ाते रहना एक अच्छा कमेंट मोटिवेशन कमेंट करके, जो भी कुछ होगा लाइव वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जितेंद्र मारोटिया अगर कहीं हो, अगर हमारी आवाज अगर कैप्चर हो रही है आपको सुनाई दे रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़े भाई। दोस्तों पूरा अरावली पर्वत है, पूरी पहाड़ियां है, बहुत डेंजर बहुत खतरनाक, जो कि मैं बता दूं आपको बहुत ही खतरनाक बहुत ही शरापित डेंजरस लोकेशन है, या कि मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है मेरे को जहां तक लगे। कुछ आवाज आ रही है, देखो आवाज आ रही है, कुछ
अच्छा आवाज आ रही है भैया ना। दोस्तों डर का माहौल इतना खतरनाक है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यार। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी उनके लिए दुआएं करते रहना अच्छे से। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो तक वो आपने कहावत सुनी होगी, मतलब कि हजार अगर पत्थर फेंके उनमें से एक दो पत्थर लग ही जाते हैं, तो हो सकता है किसी भाई की कमेंट की अच्छे कमेंट की वजह से शायद उनकी दुआएं कबूल और भाई जल्द से जल्द घर पे मिले या लौटे जल्द से जल्द यहाँ से निकल के हमें मिले, हम उनको घर तक पहुंचाए। दोस्तों ऐसे घूमने से शायद कुछ नहीं होगा, ड्रोन का सहारा लेना पड़ेगा। लाइव आपको ड्रोन का जो भी होगा वो आपको क्लियर करेंगे, दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पे है भाई। तो आप लोग अपना मोटिवेशन कमेंट करते रहना, ड्रोन की सहायता लेते भैया, एक बार ड्रोन की सहायता कर लो अपना और ड्रोन की मदद से एक बार ढूंढ। दोस्तों फटाफट से एक बार कैमरे की सहायता से और ड्रोन की मदद से शायद देखते हैं कि जीतू भैया कहाँ है, ड्रोन उड़ने के लिए रेडी है। बस आप लोग दुआएं करते रहना यार और बहुत जल्द जीतू भैया मिल जाए यार। बस भैया फटाफट से एक बार देख लो जो भी है और पूरी सेफ्टी के साथ, मतलब जो भी कवरिंग है ना यहाँ की, मतलब 80% हमने ये जंगल छान मारा है, बाकी रही आपकी, तो आप एक बार देख लेना किस तरह से। दोस्तों बहुत ही रिस्क है पूरे जंगल में, सबसे बड़ा खतरा जानवरों का, इतना खतरनाक है कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग दुआएं करते रहना भाई के लिए। दोस्तों रेडी है ड्रोन उड़ने के लिए, बहुत जल्दी जा चुका दोस्तों ड्रोन ऊपर। ये चारों तरफ से कवरिंग लेनी है, चारों तरफ से की मतलब है ना, अपने को जो भाई अपना ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी उन्होंने चेक कलर की। दोस्तों ड्रोन रेडी है, आप देख पा रहे हो व्यू ड्रोन, और ड्रोन की मदद से ही अपन एक बार उनकी देखेंगे, पूरा व्यू देखेंगे जंगल। एक बार दिखाना भैया ड्रोन, ड्रोन रेडी हो चुका है पूरा उड़ने के लिए। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ड्रोन लाइव वीडियो में, बस आप लोग दुआ करते रहना कि जितेंद्र भाई जल्द से जल्द मिले यार। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। ड्रोन जा चुका है बहुत दूर और मैं आपको दिखा दूं एक बार व्यू यहाँ का, जो भी कुछ दिखे ना भैया तो एक बार दिखाते रहना।